अस्सलामु अलैकुम। टेक्निकल एज यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। तो हम बात कर रहे थे कंक्रीट के। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था इंग्रेडिएंट ऑफ कंक्रीट। आज के इस लेक्चर में हम पीसीसी और आरसीसी की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीसीसी क्या है इसके बारे में देखते हैं। पीसीसी हम तब इस्तेमाल करता है जब किसी स्ट्रक्चर में कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो, टेंसाइल फोर्स न लग रहा हो, ठीक है। तो कंप्रेसिव फोर्स को बर्दाश्त करने के लिए वहाँ पर सिर्फ कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो वहाँ पर हम पीसीसी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पीसीसी मतलब अ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बर्दाश्त करता है उसके निस्बत टेंसाइल फोर्स के निस्बत, खिंचाव में कंक्रीट वीक होता है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल हम फ्रश लगा रहे हो वहाँ पर या कोई स्ट्रक्चर जिस पर टेंसाइल फोर्स नहीं लग रहा हो, एक्ट ना कर रहा हो, तो वहाँ पर हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा हमारे पास है आरसीसी, ठीक है। आरसीसी मतलब रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। यहाँ इंजीनियरिंग ज़ुबान में स्टील को, बार्स को रीइंफोर्स्ड कहा जाता है, ठीक है। जब कंक्रीट में, ठीक है, कंक्रीट में आप सीमेंट सैंड एग्रीगेट प्लस वाटर करेंगे तो हमारे पास कंक्रीट तैयार होता है, ठीक है। अगर आप किसी स्ट्रक्चर में कंक्रीट के साथ आप स्टील भी इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है, स्टील इस्तेमाल करो, उसको हम आरसीसी कहेंगे, रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों एक्ट करो, ठीक है। ठीक है, तब हम टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स लग रहा हो किसी स्ट्रक्चर पर तो हम उसमें स्टील ऐड करते हैं कंक्रीट में, तो उसको हम आरसीसी स्ट्रक्चर कहेंगे। फॉर एग्जांपल बीम कॉलम, ये इनमें टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों लगते हैं, तो कंप्रेसिव फोर्स कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स बर्दाश्त करता है और टेंसाइल फोर्स को स्टील बर्दाश्त करता है, तब जाके स्ट्रक्चर फेल नहीं होता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके बाद हम आरसीसी डिज़ाइन, बीम डिज़ाइन, इन पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है इनमें, और इसमें हम अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ये बनाना सीखेंगे हम, और स्ट्रक्चर में कहाँ पर मोमेंट ज़्यादा होता है, कहाँ पर शेयर फोर्स ज़्यादा होता है, तो ये सब हम इंशाल्लाह
अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो अगर आप को कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो टेक्निकल एजु को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।